दुनिया के सामने संत का चोला और दुनिया के पीछे संपूर्ण सानिध्य का अश्लील गैंग। भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर नारायण साईं सालों से यह अश्लीलता का गैंग चलाता रहा, जिसमें फंसकर ना जाने कितनी मासूम लड़कियां बर्बाद हो गईं। नारायण साईं अपने गुर्गे को हर काम बांटा करता था, जिसे कर देने पर उसे इनाम और ना करने पर सजा दी जाती थी। मेरी शादी हो गई थी और मेरे ध्यान के घंटे में मेरी माँ की बहू घुस गई। मेरे कहे क्या, बोले मैं तो नहीं चाहती तुम्हारी भक्ति मिटा, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी बताया कि सब हो जाए, और तुम्हारी माँ बाप ने, तुम्हारे माँ और दादी ने मेरे को डांटकर तुम्हारे कमरे में भेजा। मैं भी नहीं चाहती आपको मेरी ना करना। बेटा तो क्या चाहती, बोले मेरे भाई ने दादी ने कहा कि तेरे को पिक्चर में भेजा है सब बोल। मैंने कौन सी पिक्चर, बोल रहा था बोल संग को गाती नहीं, मैंने सिर नीचा कर दिया। ये डांस इंडिया डांस का संताई संस्करण है। बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें और इन पैरों की थिर कर जिसे जो समझना है समझ ले। आपने टीवी पर नाच के दर्जनों संस्करण देखे होंगे। जवानों को नाचते देखा होगा, अमीरों को नाचते देखा होगा, गरीबों को नाचते देखा होगा, शीला को नाचते देखा होगा, मुन्नी को नाचते देखा होगा, नाच पर हंसते देखा होगा, नाच पर रोते देखा होगा, नाच का तमाशा देखा होगा। लेकिन ये नाच दुनिया को नचाने के लिए था। ना तात धिना दिन, ना ताता थैया, ना बंसी बजैया, ना जय हो भैया, बस नाच नाच नाच। बस ये समझ लीजिए, कोहराम मच गया था, आसाराम नाच रहे थे सुध बुध खोकर। बिना मांगे वो सब पाए, उसी का मंगल हो। अपने रिपोर्ट में भी नहीं लिखा और बच्चे के एफआरआई में भी नहीं आया ऐसा। और फिर किसी ने कहा, किसी ने बताया कि बोलते हैं कि तीन सेवाधारी बाहर थे और मैंने मुंह डबोच डबोच के मेरे शरीर के हाथ को मारे कर डेढ़ घंटा। ऐसा तो क्या अनजाना था कि डेढ़ घंटा में हाथों होगा अपनी पोती पर, हर युवा पोती का ऐसा था, ऐसा हो नहीं सकता। बदन में ऐसा लोच कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखाया होता तो सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ तो मिल ही गया होता। छोटे मोटे डांसर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। शरीर जोंक की तरह घूम जाता है, ईमान मछली की तरह फिसल जाता है। लेकिन इस अदा पर तालियां बजने की बजाय भारतीय दंड संहिता की धाराएं तामील की जा रही है। संत श्री आसाराम बापू नाम है इनका, न छुरी न कटार न हथियार, बस चमत्कार। और आश्रम से लड़कियां साफ होने लगी। होने लगी क्या, होती ही गई। पुलिस परेशान, मोहल्ला परेशान, घर वाले परेशान। पता नहीं आश्रम में क्या करता था ये सफेद दाढ़ी वाला, लेकिन जब पुलिस पहुंचे तो पता चला मैदान साफ है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, लेकिन इस बार कलाकारी खुल गई। पता चला लड़कियों को दीक्षा के नाम पर दुनिया के रंगीन दस्तूर का ट्रेनिंग देता था। वैसे इस 74 साल के बाबा को बाबा नहीं कह सकते। इस उम्र में अगर ऐसा कोई शौक है तो आप तय कीजिए उसे क्या नाम दें। करते हैं कर्म का विधान के अनुसार करते हैं,
लेकिन दया भी करते हैं। पहले स्टेज पर पाखंड का सोलो परफॉर्मेंस हुआ करता था। आसाराम अकेले ही ज्ञान भगारा करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि धर्म कर्म की ये दुकान चल पड़ी है, तो आसाराम अपने लाडले नारायण साई को भी इस धंधे में उतार लाए। कलंक के कीचड़ में आसाराम सन चुके हैं। झाड़ के पहाड़ पर बैठी आसाराम का सच अब जमाने के सामने आ चुका है। भक्ति के मंडप में चरित्र के कीचड़ को चालबाजी के जिस चोले से बाबा ने ढक रखा था, बदनामी के बवंडर ने उसे उधेड़ कर रख दिया। शिवा नाम को भगवान से जोड़ लेने से आस्था का समंदर घर तक नहीं पहुंच जाता, ये बात ये शख्स नहीं जानता था। शिवा को आज कौन नहीं जानता, आज पूरा मुल्क जान गया। आसाराम का ये बदनाम चेला बाबा के लिए बिस्तर का इंतजाम करवाता था। ये हम नहीं कह रहे, आपको फिजूल की बात लगे, आसाराम के चेले शिवा की पत्नी कह रही है। मैं देखो ना कड़े है ना आसाराम बाबू कड़े कोई खवारी हो जब कोई पत्तो इतनी पर मो घरों ने पूछता ने माता न डगिया जतरी डोगरीन के माता थी मां मां को नी मो हरन के थी मां बाप को नी ने माता वो आसाराम बाबू बाप है ने मन तो जलन ही के बनी दीदू मनी माई दीदू के आसाराम बाबू री भूत दीदू मन जलन बोलो तो यार यार मन कहता जन तो का करो मैं बड़ी मजदूरी के पेट नहीं भरो तो मन रोटी बुन दे हैं बनी तो यार कौन तो कि आसाराम बाबू के मु और बंडो बेड़ो को किदो ने मैं कड़े जो और तोरो जोड़े मन्ना जी भूखी होती तो मु कड़े जाती बताओ हैं अबे मां कन्नो कोई जो को मैं जोड़े गए जेडी मु तो बने भले आसाराम बाबू ने भले मारवाने भले मारो आदमी घरे समय की उल्टी चाल अब आसाराम के धर्म और आध्यात्म का इम्तिहान ले रही है। दो बहनों का भरोसा टूटा है और बाबा के बेटे लड़की की चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर मीठे मीठे शब्द के आगे असलियत का कड़वा कड़वा सूप पीना पड़ रहा है। समाचार प्रेस को जब शिवा की पत्नी ने कुकर्मों की कहानी का बखान शुरू किया तो एक बार तो शर्म भी शर्मा गया। कहानी इतनी कड़वी है कि पता नहीं आप इस सच के घूंट को कैसे अपनी हलक से नीचे उतारेंगे, लेकिन ये सच है। सच ये है कि आसाराम ने इस महिला के परिवार को बर्बाद कर दिया। बर्बाद इस हद तक कर दिया कि इसके बेटे को अनाथ बना दिया। पति को छीन लेने का दर्द इतना कि बंदूक की गोली को निशाने पर सीधे आसाराम है। शिवा की कहानी सुनाते सुनाते इस मंजू की आंख भादो हो जाती है, लेकिन इसकी दुनिया शिवा उस गोमाराम के आसपास टिकी रहती है। दर्द किसे कहते हैं, इसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं। इस महिला को सुन लीजिए, आसाराम का कुकर्म आईने की तरह आपके सामने आ जाएगा। लाखों करोड़ों भक्त आसाराम के सानिध्य में सनातन सत्य को तलाशते रहे, लेकिन सच की परतें जब आज उतर रही है तो झूठ पर बसाया हुआ संसार आज जगमगा रहा। मैं देखो ना कड़े है ना आसाराम बाबू कड़े कोई खवारी हो जब कोई पत्तो इतनी पर मो घरों ने पूछता ने माता न डगिया जतरी डोगरीन के माता थी मां मां को नी मो हरन के थी मां बाप को नी ने माता वो आसाराम बाबू बाप है ने मन तो जलन ही के बनी मनी माई दीदो के आसाराम बाबू री भूत दीदो मन जलन बोलो तो यार मन कहता जन तो का करो मैं गरीब मजदूरी के पेट नहीं भरो तो मन रोटी बुन दे हैं बने तो यार कौन तो कि आसाराम बाबू के मुंह और बंडो बेड़ो को किधर ने कड़े जो और तोरो तोरे मन्ना जी भूखी होती तो भू कड़े जाती बताओ हैं अबे मां कन्नो कोई जो मैं जड़े गए जड़े मुतो को बने भले आसाराम बाबू ने भले मारो ने भले मारो आदमी करे। भक्तों ने अपने भगवान के बेटे में भी भगवान के दर्शन कर लिए और आसाराम की सम्मोहिनी आंखों ने
भक्तों के बाजार को पढ़ लिया। लेकिन स्टेज पर ताता करते करते आसाराम ने अपने बेटे नारायण साई को कब सेक्स गैंग की ये तालीम दे डाली, उनको टकटकी लगाए भक्त भी ये समझ नहीं पाए। वाह प्रभु, क्या आपकी व्यवस्था है, क्या आपकी करुणा वरुणा के साथ सबकी उन्नति करने की आपका क्या स्वभाव है दाता। नारायण की गिरफ्तारी नहीं हो रही, लगता ही नहीं कानून का उनके लिए कोई अर्थ भी है। कई बार आरोप लगे, गिरफ्तार नहीं हुए, लगा कोई झोल होगा, लड़कियां चीखती रही लेकिन कानून ने नहीं छुआ। कलेजे पर पत्थर रख लिया कानून ने, लेकिन अब बलात्कार के कीचड़ में सन गए हैं संत शिरोमणि के पुत्र। वो दिन में पता नहीं कैसे क्या हुआ, प्रसाद दिया उन्होंने कि जैसे हिप्नोटाइज किया हो, कि दो दिन में ही मैं अपना घर बार माँ बाप छोड़ के उनके साथ चली गई और उन्होंने जो बोला वही किया मैंने, और उनको ही सर्वे सर्व और भगवान मानते थे। बेटे को पता है धर्म की पताके को पाप के पर्दे में छिपाने के लिए क्या करना पड़ता है। इतने सालों में उन्होंने ये हुनर तो सीख ही लिया होगा कि अपने कुकर्म को कीर्तनों में कला की तरह कैसे इस्तेमाल करें। तो होगा, लेकिन प्रार्थना किया तो डोली भी तो भेजी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप जो करते हैं दुख देते तो भी भलाई करते। लेकिन फिर वही सवाल कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसे नारायण नारायण कहकर उसे कोई भी नाकारा बना देता है। नारायण ईश्वर और आस्था के बीच बाजार में खड़े एक ऐसे कारोबारी का नाम बन गया है। जिसके नाम से भारतीय गणराज्य का कानून पनाह मांगता है। आश्रम के बहुत सारे आश्रमों में रहता था, मैं आश्रम का पीर रहा हूँ, तो आश्रम के बहुत से आश्रमों में मैं रहता था, तो कुछ घटनाएं मैंने देखी थी अहमदाबाद आश्रम के अंदर, वो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, तो महिलाओं के साथ जो संबंध थे उस घटनाओं को उनको बुरी तरह इस तरह का कृत्य करते हुए मैंने देखा था उनको। दैट वाज द मतलब विज वल्गैरिटी। पूरा एक सिस्टम है, उसको जिस लड़की को पसंद करते हैं फिर उसको ड्राइवर, अगर वो कहीं दूसरी जगह रुकी हुई है तो ड्राइवर गाड़ी में बिठा कर लाता था, और अगर वहीं आश्रम के आसपास कुटिया में है तो वो कुटिया के उसकी जो लड़कियाँ एजेंट हैं वो उसको कुटिया तक लाएंगी, फिर सिक्योरिटी उसको अंदर कर देगा, फिर रसोई वाला जो है बिल्कुल प्राइवेट रूम में उसको अंदर कर देगा, और जैसे ही उसका पूरा उसका भोग का काम पूरा हो जाएगा फिर वो रात को 2:30, 3:00, 4:00 उसको जो है ये कह करके कमरे की सफाई कर दो, कुटिया के पिछले दरवाजे से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वो न्याय की संहिताओं से ऊपर है और नियमों के सदाचार से परे, प्रवचन का पाखंड नैतिकता के तकाजों को सूली पर टांग देता है और आध्यात्म का ओढ़ा हुआ पीताम्बर सुनने नहीं देता। सिस्कियों को, छेड़खानी और हत्या जैसे आरोपों को तो नारायण भक्ति का वरदान मांगता है। के दर्शकों को और चैनल के कार्यकर्ताओं को सबको शाबाश है, धन्यवाद है। और ये आरोप लगते रहते हैं, इसकी कोई परवाह न करना, मन में दुख नहीं करना। राम सुखदास पर इतने संगीन आरोप लगे थे राजस्थान में कि उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया। मैंने तो अन्न भी लिया, जल भी लिया और दूध भी पिया, अभी लड्डू भी खाया। कहते हैं जब पुलिस अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। आसाराम की बेटी भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी।
भारती ने कबूला कि वो अपने पिता की कुटिया में लड़कियों को भेजा करती थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारती ऐसा क्यों करती थी। शिखंडी सोच की खोखली शिलाओं पर आडंबर का आसमान बना लिया है बेटे ने। जोधपुर से दिल्ली तक और अहमदाबाद से मुरैना तक मोह माया की बूटी बेचकर गैंग ऑफ आसाराम ने अरबों की संपत्ति का अचल टीला खड़ा कर लिया। आत्मा की दर्द की दवाई लिखते लिखते देश के लिए ही नासूर बन गया भक्त शिरोमणि आसाराम और उसका बेटा नारायण। कानून में विश्वास उनकी आस्थाओं के खिलाफ है, पता नहीं संविधान को मानता है या नहीं। मैं देखोड़ा कर है ना आसन बाबू करो कोई खवारी हो जब कोई पत्तो इतनी पर मो घरों ने पूछता ने मारता ना तेरी जतरी डोगरी के माता थी मैं माँ को नहीं मो हरण के थी मैं बाप को नहीं ने माता वो आसन बाबू बाप है ने मन तो जलन ही के बनी दी दो बनी माइस दी दो के आसन बाबू ने भूत दी दो मुझे जलन बोलो तो यार लड़ मन कहता जब मैं तो कहा करो मैं गरीब मजदूरी के पेट नहीं भरो तो मन रोटी बुन दे है बने तो यार कौन तो कि आसन बाबू के मुँह और वो बंदो बेड़ो को कीजो ने मैं कड़े जाओ अन सोरन सोरन मन्ना जी मुगी होती तो मुकड़े जाती बताओ है અમે માકડનો કોઈ જો અમે જોડે વે જડે મુ તો બને ભલે આસરામ બાપુ ને ભલે મારો અને ભલે મારો આદમી ઘરે 50 સાલ સે સેક્સ રેકેટ ચલાતા આ રહા હે 50 સાલ સે જો ભી વિરોધ કરતા હે ઉસકો દબાતા આ રહા હે દિલ્હી મે ગટી કરા નામ કા ઉનકા ફાર્મ હાઉસ હે વહાં પે દિન મે 3 સે 5 કે બીચ મે ઉનકો યે કુકર્મ કરતે હુએ ઇની આંખો સે देख लिया था। बता रहे सभी तो बोल रहे हैं ये फटाने का ही तो कौन बता रहा है आपको बता रहे हैं आप देखो बाबू कौन बता रहा है सेफ डिस्टेंस Kindly keep safe distance. देश समझ भी रहा है विश्व समझ रहा है। आप नाम लीजिए बापू आप बापू आप नाम लीजिए बापू। बलात्कार की शिकार लड़की को आसाराम की कुटिया तक ले जाने वाले रसोईया ने जब अपना मुंह खोला तो सब सुनते ही रह गए। आसाराम के होश उड़ गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो इस कलंक कथा का सबसे बड़ा राजदार था। कहानी एक हक की नहीं है। कहानी हजारों भक्त की है। आस्था को आडंबर बनाकर गाजर और मूली की तरह चबा गया बाप और बेटा। ये महिला तो आज सामने आई है समाचार प्लस के पास दर्द को सुनाने, लेकिन भरोसा जब दरका है तो हत्या भी से एक पाप नहीं लगता। जन्नत की आसमान में चमकता हुआ सितारा लगता है। आसाराम की हत्या में इसे मुक्ति का मार्ग नजर आता है। पिता के बगैर बच्चों को पालने का मतलब आप समझ सकते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, नाम नहीं बताना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस महिला की मजबूरी ने इसे मजदूर बना दिया। ये कहानी इस सैकड़ों भक्तों के लिए एक सच है जो इस सफेद दाढ़ी में सानिध्य की तलाश करते हैं। ये बदलते दौर का बदनाम बाबा है जहाँ इंसानियत भी पनाह मांगती है, क्योंकि हत्या और फर्जीवाड़े को तो ये प्रभु का इनाम मानता है। जब सितारे बुलंद थे तो भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर गोपियों के साथ डांडिया किया करता था, और जब डांडिया करते करते मन भर जाता तो लोगों को प्रवचन सुनाता था। ज्ञान बांटकर जब बोर हो जाता तो फिर कान्हा की बांसुरी उठाकर कान्हा की नकल किया करता था। इसी का नाम है नारायण साईं।